हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेई मेन 2023 का डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है ई पावर माइनस फाइव बाई फोर प्लस जीरो टू फाइव बाई फोर लिमिट इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई फोर ई पावर माइनस एक्स टेन टू द पावर 50x dx डिवाइडेड बाई जीरो टू फाइव बाई फोर ई टू द पावर माइनस एक्स टेन टू द पावर 49x प्लस टेन टू द पावर 51x dx। तो इसका वैल्यू ये ऑप्शन में से कौन सा है निकालना है सॉल्यूशन। तो हर इंटीग्रेशन जिसको भी इंटीग्रेशन करना है तो सभी का फॉर्म ई पावर माइनस एक्स टेन टू द पावर सम पावर एक्स। तो इस प्रकार है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 49 पावर है, 51 पावर है और ई पावर माइनस एक्स है। तो जनरली हम इसको ले सकते हैं, लेट आई एन मान लिया, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर ई पावर माइनस एक्स टेन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ये मानने से अभी इसको बाई पार्ट्स करेंगे। बाई पार्ट्स करने से क्या होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है टेन टू द पावर एन एक्स और इंटीग्रेशन करने से माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका लिमिट डालेंगे जीरो टू पाई बाई फोर माइनस इसका डिफरेंशिएशन एन टेन टू द पावर एन माइनस वन एक्स और टेन का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स जीरो टू पाई बाई फोर और इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई फोर डालने से वन होगा, जीरो डालने से जीरो होगा। तो पाई बाई फोर में वैल्यू आएगा, पाई बाई फोर में वन हो गया, माइनस ई पावर माइनस पाई बाई फोर बन गया। माइनस इनको बाहर लिख देते हैं, जीरो टू पाई बाई फोर सेक स्क्वायर मतलब, और ये माइनस यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसको यहाँ पे डालने से क्या मिलेगा, टेन टू द पावर एन माइनस वन एक्स प्लस टेन टू द पावर एन प्लस वन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर ये इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करने से टेन टू द पावर एन माइनस वन एक्स और ये हो गया। दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस पाई बाई फोर प्लस एन, आई एन हमारा जीरो टू पाई बाई फोर ई टू द पावर माइनस एक्स टेन टू द पावर एन एक्स है। तो ये बनेगा हमारा आई एन माइनस वन और ये बनेगा आई एन प्लस वन। अब इसको इधर लाएंगे तो ये फॉर्म में चला जाएगा, तो फिर ई पावर माइनस पाई बाई फोर प्लस आई एन इक्वल, और इसको भी इधर लाते हैं, नीचे चला आएगा आई एन माइनस वन प्लस आई एन इक्वल टू एन। सो हमको ये आइडेंटिटी मिला और इस आइडेंटिटी में अगर एन का वैल्यू 50 डाल दिया तो लेफ्ट हैंड साइड जो प्रॉब्लम है उसका आइडेंटिकल बन जाएगा। तो फिर एन का वैल्यू हमारा, सो इसका वैल्यू क्या मिला, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। तो एन का वैल्यू कितना लिया है, 50 लिया है। द आंसर इज बी 50। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।